that will be assigned to the bank and I can repurchase. आप अभी खरीद लीजिए. हाँ, just similar like of that. रेपो और री रेपो जिसे कहते हैं, रिवर्स रेपो. हाँ, तो ये जो है SLR होगा. देखो ये भी गलत है, इसको भी ठीक कराओ. ठीक है, इज इट क्लियर और नो? आगे चले. This is question pertaining to the 2016 demonetization by our Prime Minister. What was the cause? What was the reason? The reason was black money checks. Control करना है black money. जिन्होंने cash में रखा. Black money क्या है? Black money means कि the money which है on which the taxes is not paid. If you are not paying that taxes on that amount, that has become black for you. It does not mean that the money associated with you is black. It does not mean that you are transferring the money to Mr. X by purchasing of anything. And if he or she is giving a receipts, GST bill or any supportive document, then the money has not, money is not black. If he has, he she is selling that amount by issuing GST bill. ठीक है ना? तो अगर उसने बिल आपको दिया तो आपके लिए ब्लैक था, उसके लिए व्हाइट हो गया. अगेन बी इज इन्वेस्टिंग टू सी बाय कैश पार्ट और बाय एनी मींस विदाउट कंसीडरिंग द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, विदाउट इश्यूइंग एनी बिल, विदाउट इश्यूइंग एनी इनवॉइस. एट दैट टाइम इट ऑलवेज ट्रांसफर एज ए ब्लैक. ब्लैक और व्हाइट का जो चक्कर है वो किसके रेफरेंस में है? दैट इज द अंडर रेफरेंस ऑफ यूजर. आपको तनख्वाह का पैसा मिला है ना? यू आर गेटिंग द सैलरी ऑफ 50,000 एंड इफ यू आर गिविंग दैट 20,000 टू समवन एज ए ब्राइब, तो दैट मनी वाज फॉर यू वाइट. बट व्हेन यू गिव दैट मनी इन ए कैश to the government officials or anybody, that becomes black. Clear hai? Ab phir wahi aadmi, if that officials goes to market and purchase some articles and paying and taking the bill, after that he pays the money, that becomes white. So that black and white is rotating in the reference of whether what type of usability you are doing or not. Clear hai? तो ब्लैक मनी चेक्स हो गया, करप्शन कंट्रोल. क्लियर है? मोदी जी ने करप्शन रोकने के लिए कदम उठाया, दैट वाज नाइस. थर्ड इज टेररिस्ट कंट्रोल, फंडिंग हो रहा था कैश के थ्रू. चौथा सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी, चलाते रहते थे, वी आर क्राइंग एंड वी आर मेकिंग साउंड दैट द हाँ फेक करेंसी आ गया. 500 का नोट पीपुल जनरली अवॉइड दैट 500 और 1000 लीगल टेंडर ऑन द बेसिस ऑफ दैट. अरे भैया पता नहीं ये फर्जी वाला तो नहीं ले आए हो, तो उसका भी जो है मिनिमाइज किया. टैक्स एम्बिट इनक्रीज हुआ, ठीक है ना? और कैश टू डिजिटल ट्रांजेक्शन ऑल्सो. तो दिस वॉज द सिक्स रीजन बिहाइंड लॉन्चिंग द डी मोनेटाइजेशन. क्लियर है? तो 24, which one is correctly paired? इसमें पेयरिंग में जो है दिया जो है वो थोड़ा सा अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट आर एंड ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विस एंड ट्रांसफर पेमेंट. इसको जो है छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें मिसिंग है, पेयरिंग नहीं किया है.
ये क्वेश्चन नंबर लिख लो 24, इसको छोड़ दो क्योंकि इसमें पेयरिंग ही नहीं है, विच वन इज करेक्टली पेयर्ड, इसको स्टैंड बाई में रखो। एट विच फैक्टर रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट डिटरमाइन, इसको हम लोग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस लिटिल बिट। डिमांड बाई होम कंट्री, देखो दोबारा आ गया होम कंट्री, इसको भी लिख लो 25। एक्सपोर्ट बाई होम कंट्री 25। तो डिमांड बाई होम कंट्री, इट दिस इज गुड, दिस इज द फैक्टर, क्योंकि भाई डिमांड होगा तभी उसका रेट फ्लक्चुएट करेगा, डिमांड ही नहीं है तो क्या होगा। सेकेंड इज एक्सपोर्ट बाई होम कंट्री, आपकी कंट्री से कितना एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर आप 100 रुपया इफ यू आर सेलिंग एंड यू आर गेटिंग 10 रुपीज, इन दैट केस इट इज, है ना। तो एक्सपोर्ट बाई होम कंट्री, हाउ मच अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट इज टेकिंग प्लेस, अगर बहुत ज्यादा है तो हमारे पास करेंसी रिजर्व आ जाएगा ना, बैलेंस ट्रेड ऑफ बैलेंस इन विल बी द फेवर पॉजिटिव। बस एसेट्स ऑफ ए होम कंट्री बॉट बाई फॉरनर्स, एसेट्स ऑफ ए होम कंट्री मैंने भारत का जो एसेट है कोई विदेशी आके खरीद लिया तो मेरे पास डॉलर बहुत आ जाएगा ना। बेसिक फंडा क्या है, फंडा इज दैट कि यू विल हैव टू मेक योर किटी प्लस प्लस प्लस, है ना। आप चाह रहे हैं कि हमारे बैंक में भैया भरा रहे फॉरेन करेंसी रिजर्व, तो कैसे अकाउंट में इतना फॉरेन करेंसी आएगा, जब आप कोई चीज एक्सपोर्ट करोगे तब ना आएगा। और जो हम लोग यहाँ पे थे, एसेट्स ऑफ ए होम कंट्री बॉट, हमारे पास बहुत सारी लैंड है, थाउजेंड्स ऑफ एकर्स, कोई आके खरीद के फैक्ट्री लगा रहा है, जब व्हेन ही और सी विल परचेज दैट एसेट, इन दैट सिचुएशन इट विल बी इंक्रीज्ड माई किटी, माई सेविंग अकाउंट फिल्ड बाई द फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन करेंसी, दैट विल बी एनरिच। पैसा कहीं से हो, बाई एनी मीन्स द मनी शुड डिपोजिटेड इन दैट किटी, इन दैट अकाउंट। तो एक्सपोर्ट्स आ गया, एसेट्स ऑफ होम कंट्री किसी ने खरीद लिया, इंक्रीजिंग इनकम। इंक्रीजिंग इनकम कैसे होगा, किसी भी तरीके से, बाई सर्विस, बाई NRI whosoever is earning in that country, any NRI, any Indians who is working from out of India, they can increase their income and that income will be come into the India, the increasing income. So ye puch raha hai ki kaun sa jo hai determine karta hai, all five are determining factor. Aur isme basic buddhi kya lagani hai, basic intelligence is that you will have to focus on the terms, on the lines, that ki how I will get the money in dollar from the other country or other, ye hai focus. Jab hamare paas bahut foreign currency ho jayega, in that situation I will be master controller of the system. Every country will ask, are yaar thoda dollar de do yaar, mujhe jo vegetable oil kharidna hai. Aap kahoge de to dunga, lekin 100 रुपये में दूंगा, बोलो ले गए, मरता क्या ना करता, है ना। इन दैट सिचुएशन ही और सी विल बी रेडी टू गेट दैट दैट फॉरेन करेंसी, डॉलर और वट एवर, यूरो, येन, क्लियर है ना, कि हाउ फॉरेन करेंसी विल बी इनहेंस्ड इन द कंट्री। तो ये सब उपाय है, इकोनॉमिक्स हो चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, इट डज नॉट मेक डिफरेंस इफ यू आर पुटिंग योर माइंड जस्ट ए कॉमन मैन, कॉमन सेंस, दिस इज टोटली कॉमन सेंस, व्हाट इज द रॉकेट साइंस। एक आदमी से इफ यू आर आस्किंग दैट हेलो यार हाउ योर पॉकेट ऑलवेज फिल्ड इन द बाई द करेंसी, यार तुम्हारे पास बड़ा रहता है कैसे आता है, क्या करते हो, व्हाट डू यू डू सो दैट योर पॉकेट्स, योर अकाउंट्स इज ऑलवेज फ्लोरिस बाई दैट एक्सचेंज। किसी तरीके से पैसे का, फॉरेन मुद्रा का आना, बस ये है, कैसे आएगा इसके अलावा और भी तरीके हो सकते हैं।
आगे है, वाई कांट द जीडीपी ऑफ ए कंट्री टू बी कंसीडर्ड। देखो ये ठीक करना है ना, ये है टू बी, है ना प्रिंस, लिख लेना इसे जरा। क्वेश्चन नंबर 26, वाई कांट द जीडीपी ऑफ ए कंट्री बी कंसीडर्ड राइजिंग एज एन इंडेक्स ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपुल ऑफ दैट कंट्री। जब देश में इतना जीडीपी हो रहा है, बढ़ रहा है, डिस्पाइट ऑफ दैट इंडिया गरीबी रेखा के नीचे जो 25 करोड़ 20 करोड़ लोग हैं ना, जीडीपी तो बढ़ रहा है। दैट इज नॉट ओनली फॉर इंडिया, इट इज इक्वली अप्लाई फॉर अदर कंट्री ऑल्सो, है ना। फैमिली के तौर पे आप इसको भी टेक एग्जाम्पल कि सपोज आप, आपके पापा के चार बेटे हैं, समझ लीजिए, ठीक है ना। पापा इज कॉमन, इतना स्मार्ट बोर्ड है,